Rahim. Today's topic of discussion is guidelines of temporomandibular joint, muscle of mastication and maxillary artery. ये तीनों टॉपिक आपने करने हैं KLM से. इसके बाद हमने temporomandibular joint, muscle of mastication, maxillary artery की बात oral cavity के subdivision की देखी है. तो पहले हम बात करते हैं temporomandibular joint की. तो temporomandibular joint के अंदर क्या चीज़ exam के अंदर पूछी जा सकती है. तो पहली बात, ये temporomandibular joint किस variety का joint होता है ये बात पूछी जाती है. इसकी articulating surfaces कौन कौन सी है. इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मूवमेंट कौन कौन सी हो सकती है और उनकी मसल कौन कौन सी है. तो ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं छोड़ना. और जो उसके नीचे एक दो लाइंस लिखी हुई है कि जो प्राइम मूवर होता है ये वाला, कि जो प्राइम मूवर होता है वो कौन होता है और इसके अंदर जो असिस्टेंट होता है साइनर्जिस्ट वो कौन सा मसल है, तो आपने ये भी ज़रूर करना है. तो ये वाला टेबल ज़रूर इंपॉर्टेंट है. इसके साथ आपने ये देखना है कि जो इनकी मूवमेंट होती है डिप्रेशन और एलिवेशन, जो कि प्रोटोरियन और रेट्रोरियन किस कंपार्टमेंट में होती है, सुपीरियर कैविटी में कौन सी होती है, इनफीरियर कैविटी में कौन सी होती है, एमसीक्यूज में आ सकता है. और इसकी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स, ये एससीक्यू में आ सकते हैं या फिर का कोई क्लिनिकल भी बन सकता है, क्लिनिकल सिनेरियो इन लिगामेंट का, कि लिगामेंट कहाँ पर अटैच होते हैं और एक लिगामेंट किस जगह के ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक हो गया. तो ये तो बात हो गई टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का, जो आपने सारा का सारा करना है केएलएम से, और कोई भी चीज़ आपने बीटी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके बाद बारी आती है मसल ऑफ मैस्टिकेशन की. तो कहा जाता है कि हेड एंड नेक के अंदर सिर्फ चार मसल्स ऐसे हैं जो जिनकी ओरिजिन इंसर्शन आपने अच्छे से करनी है. जो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स उनकी भी शायद करनी पड़ जाए, लेकिन मसल ऑफ मैस्टिकेशन की आपने कभी भी नहीं छोड़नी. मतलब मसल ऑफ मैस्टिकेशन, टेम्पोरालिस मैसेटर, लैटरल टेरागॉइड और मेरल टेरागॉइड, इनकी आपने प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट करनी है. ठीक है. और इनकी आप शेप को भी याद रख सकते हो, शेप भी इनके एमसीक्यूज में आ सकती है. जैसे टेम्पोरालिस ट्रायंगुलर है, मैसेटर क्वाड्रेट है, मीडियल टेरागॉइड भी क्वाड्रेट, जबकि लैटरल और टेम्पोरालिस दोनों ट्रायंगल है. तो टी एल या एल टी ये ट्रायंगुलर, जबकि एम एम डबल एम ये क्यू है, क्वाड्रेंगुलर है. तो इनकी आपने ये टेबल जरूर याद रखना है. जबकि सुप्रा हाइट इंफ्रा हाइट इनके अटैचमेंट नहीं पूछ जाते, बल्कि इनकी ये पूछा जाता है कि इनकी नर्वेशन क्या है, क्योंकि कुछ मसल निकलते हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट से उनको सप्लाई करने वाली नर्व होती है मैंडिबुलर नर्व, कुछ निकलते हैं सेकंड फेरेंजियल आर्ट से तो उनको सप्लाई करने वाली नर्व होती है फेशियल, और कुछ ऑक्सीपिटल सोमाइट से निकलते हैं तो उनको सप्लाई करने वाली हाइपोग्लॉसल नर्व होती है, और कुछ बेसिक सोमाइट से निकलते हैं सर्वाइकल सोमाइट से, तो हम उनको बोल सकते हैं उनको सप्लाई करने वाला होगा सर्वाइकल प्लेक्सस होगा. तो आप इनकी नर्वेशन को देखना है, इनके एक्शन को देख लेना है. जबकि मसल ऑफ मैस्टिकेशन का आपने पूरा टेबल याद रखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेबल ही एग्जाम के अंदर एसईक्यू के अंदर आ जाता है. और एक टेबल ज़रूर आता है हेड एंड नेक के थ्योरी एग्जाम के अंदर, या तो सॉफ्ट पैलेट के मसल कहा जाता है, या फिर टंग के मसल्स का, या फिर वो मसल ऑफ मैस्टिकेशन कहा सकते हैं. तो आपने इसको नहीं छोड़ना. और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से एमसीक्यू जरूर बनना है वो है मैक्सिलरी आर्टरी. तो ये पूरा टेबल आपने याद रखना है मैक्सिलरी आर्टरी का. ठीक है. और इसके डायग्राम आपने ये वाली तैयार रखनी है. ये मैक्सिलरी आर्टरी की आपको ब्रांचेस नजर आ जाएगी दोनों को. क्लिनिकल्स को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं. तो जो अगर हम ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो फिर आप ओरल कैविटी को आप बीडी से भी कर सकते हो, क्योंकि बीडी के अंदर पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है. तो आपने ओरल कैविटी को आप कर लेना बीडी से. मैं आपको बीडी से पहले दिखा देता हूँ बीडी में किस तरह से लिखा हुआ है ओरल कैविटी का वेस्टिब्यूल का. तो ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा ओरल कैविटी वाला चैप्टर निकालते हैं, माउथ वाला चैप्टर. तो ये आपने सारा करना है यहाँ से बीडी से, ओरल कैविटी स्टार्ट से, वेस्टिब्यूल, लिप्स, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, उसको याद करना बहुत ज़्यादा इजी है. चीक्स, ओरल कैविटी प्रॉपर, और ये जिंजिवा जिसको गम्स भी बोलते हैं. तो आपने यहाँ तक, और इसका ये वाला टेबल नर्व सप्लाई ऑफ गम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये आपने सारा करना है कहाँ से, ये आपने करना है बीडी से, और केएलएम से करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो ये था बेसिक ओवरव्यू और गाइडलाइंस का. तो अब क्लिनिकल कोरिलेट्स मैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर. तो भी आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को याद रख लेना. और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, या कोई भी क्यूरी हो. और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसका एनालिटिक्स पोर्शन देख रहा था YT स्टूडियो का. तो 60% आवाम ऐसे जो वीडियो देखती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती. तो सब्सक्राइब करने से मे भी आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. आपको मैं कितनी मरतबा कहता रहता हूँ, तो कर लो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.